सो गाइस आज हमारे पास स्कोडा किलोरा, आज हम इसका करने वाले टाइमिंग बेल्ट चेंज। इसमें क्या, ये देखिए टाइमिंग बेल्ट जरा ये पूरा घस गया है इधर उधर ये वो, और ये गाड़ी हो रही है नहीं चालू, ये मतलब चालू ही नहीं हो रही है। और इसमें कोड आ रहा है अपना P0016, मतलब या तो टाइमिंग आउट है या तो कुछ इसमें फॉल्टी जो मतलब ये रहता है अपना, ये बता रहा है टाइमिंग आउट। तो मैं कोड दिखा देता हूँ आपको, P0016। ये जो सेंसर है इसके मतलब उसकी ये, जब हमने उसको वो किया ना ये ऑटो कट्स पे जाने का और उसके बाद उसको वो करने का, तो रीज़न बताता है। तो लेकिन वो हमको टाइमिंग आउट दिख रहा है क्योंकि बेल्ट उसका पूरा ख़राब दिख रहा है। तो अभी अपन खोल रहे हैं इसका पूरा ये सब, अभी ये देखिए ये सब हमने निकाल दिया है। अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा टाइमिंग आउट है कि नहीं, ये जंप आउट हुआ रहेगा शायद, टाइमिंग आउट जंप आउट हुआ रहेगा तो गाड़ी पूरा क्रैंक कर रहा है लेकिन सब हो रहा है लेकिन स्टार्टर नहीं बैठ रहा, मतलब स्टार्टर बैठ रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। तो अभी अपन इसको पूरा खोलेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये ड्राइव बेल्ट की भी कुछ इस तरीके से हालत हो चुकी है जो कि पूरा हो गया ख़राब। तो ये शायद अंदर का भी वैसे ही ख़राब हो रहेगा। तो सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब अपने को ये खोलने का है सिर्फ पुल्ली। और ये जो इसका टाइमिंग भी बहुत आसान रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ये देखिए अभी इसके अंदर भी ये देखिए पूरा बेल्ट टूट टूट के गिरा है, वो जंप आउट हुआ है इसलिए करके गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अभी अपन ये खोलेंगे। अभी ये देखिए अभी हमने इसका ये निकाल दिया और अभी ये, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, एलंकी लगाने का 10 mm की अपना एम सीरीज पेटी की, वो पूरा निकल जाता है बाहर। तो अभी ये देखिए ये इसका 10 mm का एम सीरीज का एलंकी, तो इसको निकाल दिया अपन ने। वो पूरा अंदर का मेन वाला खोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको खोलने का ही नहीं, जब भी आपको खोलना रहेगा अंदर से पूरा क्रैंक व्रैंक तब खोलने का, नहीं तो उसको ऊपर से खोल सिर्फ 4 bolt निकालेंगे तो वो बाहर आ जाता है। तो अभी अपन ये कवर के जितने बोल्ट है 4-5 वो सब निकाल लेंगे, तो वो निकालेंगे तो अपना कवर आ जाएगा बाहर। और माउंटिंग भी खोलना पड़ता है, सिर्फ माउंटिंग ही थोड़ा अड़चन करता है, बाकी कुछ नहीं अड़चन करता है। तो अभी ये देखिए अभी हमने माउंट निकाल लिया है, तो अभी माउंट बिंड सब निकाल लिया है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग इसका आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी ये देखिए इसको पहले टाइमिंग पे लेते हैं, टाइमिंग आउट हुआ है कि नहीं हुआ वो दिखाता मैं आपको। तो अभी इसको टाइमिंग पे लेके रखते हैं, पहले टाइमिंग पे करेंगे और उसके बाद फिर अपने को दिखेंगे। तो अभी इसको अपन ले लेते हैं पहले टाइमिंग पे। तो अभी ये देखें ये धीरे धीरे हम इसको पहले टाइमिंग पे लेते हैं, वैसे क्या हो जाएगा अपना चेक हो जाएगा ना, क्या टाइमिंग पे रहेगा तो टाइमिंग आउट रहेगा तो वो बेल्ट डाल के हो जाएगा चालू, और इसका वॉल जल्दी बैंड नहीं होता है। तो पहले टाइमिंग पे लेते हैं उल्टा आना पड़ेगा। घुमा हाँ देख देख, रुक 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 रुक, आया क्या? नहीं नहीं, उधर का कितना आउट है? खाल चला आला आउट कितना है? चार पाँच। अभी ये देखिए अभी हमने इसको मेन क्रैंक को टाइमिंग पे लगा दिया है ऊपर से, और ये देखते हैं इसका आउटिंग आउट कितना है। ये देखिए अभी यहाँ का टाइमिंग आया ही नहीं, तो ये हमारा 4-5 दाते आउट है और इधर का भी नहीं आया। तो अभी पहले अपन सब इसको बेल्ट को निकालेंगे और उसके बाद टाइमिंग एकदम परफेक्ट लगाएंगे और उसके बाद गाड़ी चालू करके दिखाएंगे। तो अभी हमने पूरा बेल्ट निकाल दिया, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करने का रहता है, बेल्ट निकलता है अपना आसानी से। तो अभी ये देखिए इसका टाइमिंग देखिए यहाँ पे जा कर है, ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग और इसका भी टाइमिंग उल्टा हो गया, मतलब जंप आउट हुआ है, टाइमिंग जंप आउट हो गया। तो अभी हमने क्रैंक सिर्फ लॉक करके रखा है और क्रैंक एकदम बराबर परफेक्ट लॉक हो जाता है, वो लॉक लेने का और उससे एकदम परफेक्ट लॉक हो जाता है। तो अभी अपन इसको ये देखें, अभी ये आ गया हमारा जूना वाला ये वाला और ये नया वाला, उसकी वजह से पूरा जंप आउट हुआ था। अभी इसको पूरा पहले एक काम करेंगे, दांतरे पूरे गिन लेने का, याद रखेंगे पूरे दांतरे पहले गिन लेने का दोनों को सेम है कि नहीं, नहीं तो वापस बराबर बैठेंगे नहीं। ये हमारा नया वाला बेल्ट, अभी इसको गिन लेंगे और गिनने के लिए ऐसा एक साइड एक पे चूना लगा दें और उसके बाकी का पूरा गिन करके राउंड लगा दें। तो ये गिन के उसके बाद फिर अपन ये लगाएंगे, जूने वाले को भी ऐसा ही गिन ले, जूने दोनों को सेम है कि नहीं। तो अभी पहले अपन इसका टाइमिंग ले लेते हैं वॉश पम्प का, क्योंकि ये तो टाइमिंग उल्टा हुआ था ना, मतलब आउट हुआ था, जंप आउट हुआ था। तो अभी अपन सब इसके कर देंगे और उसके बाद फिर बाकी का लगाएंगे। तो अभी इसको पहले टाइमिंग पर ले लेते हैं क्योंकि ये टाइमिंग पर आया नहीं हमारा, इसको आने दे टाइमिंग। और ये एलंकी लगाने का है, ये इसके एलंकी लगा के ये घुमा देने का, वो पूरा घूम जाता है अच्छे से, और टाइमिंग पे लेके फिर उसके बाद लॉक कर देने का, लॉक करके फिर बेल्ट चढ़ा देने का। तो इसको और कैम को दोनों को अपने को टाइमिंग पे लेने का है। तो अभी ये देखिए लगभग हमारा लगता है ये तो आउट हो गया वापस, अभी उल्टा घुमा के लेना पड़ेगा, इसको उल्टा घुमा के लेकर आता हूँ और लॉक कर देने का। ये देखिए अभी उल्टा आ रहा है हमारा, उल्टा पुल्टा घुमाए कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ टाइमिंग में लॉक होना चाहिए अच्छे से बस। ये देखिए ये प्रॉपर, अभी इसको लॉक कर देंगे अपन, इसको लॉक कर देंगे तो हमारा टेंशन वॉश पंप का ख़त्म हो जाएगा। और क्रैंक तो लॉक पहले से ही करके रखा है, मेन क्रैंक को लॉक करने का, वो टाइमिंग आउट है कि नहीं वो पता चल जाता है।
तो अभी अपन ने ये निकल दिया है, अभी उसको लॉक कर दिया है, अभी पहले देखेंगे कैम का। तो अभी अपन ये कैम को ले लेते हैं टाइमिंग पे, कैम का भी कैसा टाइमिंग रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विंटो जितने हैं सबको सेम ही है पूरा इंजन, तो उसको टेंशन नहीं लेने का, ये सब एक किसी का भी टाइमिंग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्कोडा का लो रहा है, तो अभी ये देखिए अभी इसको भी थोड़ा इधर उधर कर दिया हमने, क्यों किया क्योंकि हमारा वो जो कैम था उसका टाइमिंग वो जाके डायरेक्ट पिस्टन पे लग रहा था, तो पहले कैम का लगा ले और उसके बाद फिर क्रैंक का लगाएंगे। तो याद रखें जब भी किसी भी गाड़ी का अगर मतलब कैम अटकने लगे तो उसको क्या करने का, डायरेक्ट मतलब क्रैंक का टाइमिंग थोड़ा आउट करने का और वापस कैम का लगा के लेने का और फिर उसके बाद फिर कैम क्रैंक का लगाने का। तो अभी ये देखिए अब इसको पहले ले लेते टाइमिंग पे। सो अभी हमारा ये देखिए अभी ये लगभग टाइमिंग पे आ गए, अभी इसको थोड़ा ये उल्टा ज़्यादा चला गया, तो अभी ये इसको वापस उल्टा करेंगे। ये देखिए वो दिख रहा है आपको, उसमें लॉक करने का, अपने को उसमें लॉक कर देने का, ये कैम का टाइमिंग हो जाएगा और ये 70 का पाना लेने का, उससे घुमाने का। ये देखिए अभी उल्टा वापस थोड़ा हल्का मारेंगे और ये जाएंगे। ये देखिए अभी उसमें अंदर में होल आ गया, ये देखिए वो होल में डायरेक्ट एक पिन डालने का, आपके पास जो भी कुछ भी रहेगा, कुछ ऐसा नहीं रहता स्पेशल लॉक से ये चाहिए, डायरेक्ट डाल देने का, ऐसा होना चाहिए उधर परफेक्ट लॉक हो जाना चाहिए बस। सिर्फ नीचे का जो क्रैंक रहता है उसका टाइमिंग के लिए वो परफेक्ट लॉक मांगता है, तो टाइमिंग वो हो जाता है। तो अभी ये देखिए ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, अभी इसको भी लॉक कर देते हैं और दोनों को लॉक करके फिर चढ़ाएंगे बेल्ट, बेल्ट चढ़ा के फिर बाकी का दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो, गाड़ी इसी पे टाइमिंग पे चालू करके दिखाऊंगा। ये देखिए अभी ये हमारे पास 10 का ना वो था, 10 का डायरेक्ट घुसा देने का, चलो एकदम लॉक हो जाता है परफेक्ट, ये घूमेगा नहीं। अभी ये देखिए ये भी हो गया हमारा परफेक्ट लॉक, एलंकी से वो भी हो गया, और इसका जो स्पेशल लॉक आता है वो, और ये जो एरो रहता है ये एरो ऊपर की साइड में रखने का, याद रखें हमेशा ये एरो ऊपर की साइड में और वो कैम उधर लॉक कर देने का। तो चलो इसको वापस अभी लेंगे टाइमिंग पे, क्योंकि अपन ने इसको घुमाया था ना, तो अभी इसको टाइमिंग पे लेंगे और उसके बाद फिर घुमाएंगे, टाइमिंग पे लेके फिर लॉक कर देंगे। तो अभी हो गया हमारा, इसको लॉक कर देते हैं। ये देखें याद रखें कभी भी कैम ऐसा लॉक हुआ तो क्रैंक का टाइमिंग आउट करने का और उसके बाद फिर कैम लगा के लेने का, फिर उसके बाद फिर क्रैंक लगाने का, क्रैंक लास्ट में लगाने का। ये तो लॉक हमने करके पहले से ही रखा था क्योंकि हमको चेक करने का था इसलिए। तो अभी ये देखिए अभी इसको अपन उल्टा घुमा देंगे और उसके बाद फिर उल्टा घुमा दिए थे, उसके बाद हमारा वो सिस्टम हो गया था मतलब कैम फ्री हो गया था, तो कैम को वापस टाइमिंग पे ले लिए और उसके बाद फिर इसको टाइमिंग पे लगा दिया। अभी ये देखिए इसको लगा दिया, ये भी हो गया, अभी ये भी हमारा जो पाना है ये भी परफेक्ट लॉक नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से करते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि ये परफेक्ट एकदम खाँचे में बैठता नहीं है। तो अभी ये सब लॉक हो गए, अभी हमने बेल्ट भी चढ़ा दिया, ये देखिए इसको भी, ये भी लॉक और ये भी लॉक और बेल्ट चढ़ गया। बेल्ट थोड़ा डिफिकल्ट चढ़ता है, लेकिन वो कैसा है कम बंदे ना इसलिए करके वीडियो बना नहीं पाते उसके, तो चढ़ाने के बाद ही बेल्ट बनाया, वीडियो बनाया। तो अभी ये भी लगा, अभी सब अपन निकालेंगे और उसके बाद एक बार पूरा अपना उन्हें क्या राउंड घुमा के लेंगे। कभी भी याद रखें कोई भी इंजन का काम करे मतलब उसको जब तक टाइमिंग लगाने के बाद पूरा ना घुमा ले, और ये जो एरो है इसका एकदम सीधा सीधा रखे, उससे कुछ नहीं है। ये देखिए अब, और इसका जो ये लॉक होता है ये देखिए यहाँ पे इसको ये लॉक कर देते हैं, यहाँ पे ही लॉक होता है उसका जो टेंशनर रहता है। तो अभी सब लगाएंगे और उसके बाद गाड़ी चालू करके दिखेंगे आप फिर। तो अभी ये देखिए सब हमने लगा दिया है और एक दो बार इंजन घुमा ले भाई, मैं यही बता रहा था कि जो कोई भी इंजन का भी काम करे तो मतलब कोई भी रहने दो, लेकिन जब आप काम कर लेंगे टाइमिंग बेल्ट भी लगा लेंगे तो पहले इंजन 2-3 राउंड घुमा के देख लें। सो अभी ये अपना इंजन पूरा तरीके से घूम रहा है, अभी इसको एक काम करेंगे स्टार्ट करके देखेंगे, पहले ही सब लगा के देखेंगे, थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है वो भी चेक कर लेंगे आप, उसका भी रीज़न बताऊंगा कि लेट स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ये पूरा एकदम मस्त अपना इंजन स्टार्ट और यहाँ से थोड़ा एयर लीक हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो लीक का कारण है अभी ये देखिए, अभी हमने सब लगा दिया है इसका पूरा, तो जो लीक हो रहा था जो मतलब तेल स्टार्ट हुआ ना थोड़ा, ये देखिए यहाँ से हमारा ये जो सेकेंडरी फिल पंप है ये लीक हो रहा है, ये देखिए अभी इसको नया डालना पड़ेगा अपने को, उसके बाद वो स्टार्टिंग ट्रबल भी दूर हो जाएगा, इधर से पूरा डीजल एकदम बाहर लीक हो रहा है, बस बने रहे इससे हमारे साथ वीडियो में।